क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन इज वाई गंगा रिवर इज एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड, या पॉल्यूटेड ही बोलिए। एक्सट्रीम तो आप बोलेंगे तो यमुना एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है, गंगा पॉल्यूटेड है बेटा, यमुना एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो गंगा रिवर पॉल्यूट क्यों हुआ बेटा? देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन है रिवर पॉल्यूशन के पीछे बेटा, दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम सिटी लाइक कानपुर इज डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर। कानपुर तो सिटी लाइक्स के बाद क्या लिखा है? बेटा, सिटी लाइक कानपुर। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम सिटी लाइक कानपुर इज डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर। रिवर है बेटा, होता क्या है, इंडस्ट्री का सारा कचरा है बेटा, ला के सीधा नदी में डाल देते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट को सीधा रिवर में डालना है या नहीं डालना है? नहीं सर, तो फिर डालना है, रिवर नहीं का सही डालना नहीं है डालना है, तो सर। फिर वेस्ट का करेंगे क्या, घर पे तो रखेंगे नहीं उस वेस्ट को। सर उसको केमिकल ट्रीटमेंट करके न्यूट्रल करना होगा, उसके बाद उसको डिस्चार्ज बिल्कुल करेंगे। सही, वाटर ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको रिवर में या पॉन्ड में या कहीं भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो दे आर डिस्चार्ज इन टू रिवर विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है। सेकंड बेटा, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि रिवर में लोग कपड़े धुलते हैं। अब कपड़े धोने में बेटा प्रॉब्लम ये है कि कपड़े धोने से बेटा सोप वगैरह यूज होता है, डिटर्जेंट यूज होता है, तो सोप डिटर्जेंट रिवर को पॉल्यूट करता है। तो आप बोलेंगे सर घर पे भी तो कपड़े धुलते हैं, वो भी तो पानी कहीं ना कभी किसी ना किसी तो रिवर में तो जाएगा, तो फिर रिवर में धोए या घर पे धोए, बात तो बराबर है। देखो इंडिया के केस में दोनों बात बराबर है। क्यों, आप घर पे कपड़े धुलते हो वो भी जाके रिवर में मिलना है, रिवर पे जाके धोओगे वो भी रिवर में मिल गया। बट एक्चुअली होता क्या है, जो घर का जो ड्रेन होता है बेटा, वो जब बाहर निकलता है सारा एक जगह मिल जाता है, तो जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को बेटा वेस्ट ट्रीटमेंट लगाना होता है, उसी तरीके से, सिमिलर तरीके से म्यूनसिपलिटी को भी लगाना होता है। हर सिटी के बाहर इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। तो वो लिखना नहीं है क्योंकि बुक में तो वो मान नहीं रहा है कि म्यूनसिपलिटी अपना काम नहीं कर रही है। बुक के अकॉर्डिंग तो बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट अपना काम नहीं कर रहे, बट किसी भी सिटी में ये काम सही से नहीं हो रहा है। कुछ कुछ सिटी ने भी स्टार्ट किया है बट उतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया है। बट हाँ, साउथ की सिटी में बेटा ये ज्यादातर है कि म्यूनसिपल ट्रीटमेंट करता है। तो हम लोग वो वाला नहीं लिखेंगे कि घर में भी कपड़े धुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर पे धो या नदी पे धो बात बराबर, ये नहीं लिखना। हम लोग को लिखना है पीपल वॉश देयर क्लोथ्स एंड बेथ इन रिवर, वॉश देयर क्लोथ्स एंड बेथ इन रिवर। कपड़े भी धुलते हैं तो फिर बेटा नहाएंगे कहाँ? अब नहाने के लिए घर कोई बेवकूफ ही होगा ना कि नदी में गया कपड़े धुलने बेथ हैं। हाँ बेटा, सर बेथ पीपल वॉश देयर क्लॉथ्स एंड बेथ, बाथ का बेटा पास्ट टेंस हुआ ना, BATHE एंड बेथ इन रिवर, या बाथ इन रिवर वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
अब कपड़े भी धुलेंगे बेटा तो नहाना भी वही है ना, कोई बहुत कम चांसेस है कि कोई कपड़े नदी में धुलेगा और आकर घर पे नहाएगा, ऐसा बहुत कम लोग होगा, और जो भी होगा बेटा बड़ा बेवकूफ होगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, आइडल्स, फ्लावर्स एंड अदर वेस्ट आर, एंड अदर नहीं होगा एंड वेस्ट आर थ्रोन इनटू रिवर। मूर्ति के कारण बेटा बड़ा पोल्यूशन होता है, लोग फ्लावर्स वगैरह भी जाके नदी में फेंक देते हैं, फ्लावर्स तो लोग नदी में ही फेंकते हैं, आइडल्स। अब देखो घर में बेटा पूजा होता है तो मूर्ति को ऐसा नहीं होता है कि बस ऐसे ही कहीं भी रख दिया फेंक दिया, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस ट्रेडिशन उसको आपको नदी में ही जाके डालना है या पौंड में जाके ही डालना है, तो लोग वो करते हैं, तो वो ही बेटा पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, दैट ऑल्सो कॉजेस पॉल्यूशन। ठीक है नेक्स्ट सर, आइडल्स मतलब मूर्ति होता है ना? हाँ बेटा सर, आइडल्स मतलब मूर्ति होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मूर्ति बेटा। ठीक है, आजकल तो लोग थोड़ा समझदार हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में अभी गणेश पूजा हुआ था तो उसमें बेटा आपको उसमें डालने से मना कर दिया था, ना ही ओशन में डाल सकते हैं आप ना ही वहां डाल सकते थे रिवर में, उन्होंने क्या किया एक पॉन्ड बनाया, अब बोला कि पॉन्ड में ही आके डालना है, पूजा करना है, पूजा करने के बाद यहीं पे आके डालना है, नहीं डालना है यहाँ नदी में, नदी में अगर जाने की इच्छा है तो पूजा मत करो। सारे आइडल्स उन्होंने टेम्पररी पॉन्ड्स बनाए थे उसी में डालने के लिए वो कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था, तो वैसा ही हर जगह होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आप समझो बेटा इंडस्ट्रीज में होता, इंडस्ट्रीज के वेस्ट में होता क्या है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो जाके सीधा रिवर में मिल जाते हैं, अब उसमें से केमिकल, कुछ केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक ये बड़ा हार्मफुल होता है, मरकरी ये और उस हार्मफुल होता है, तो जो केमिकल इंडस्ट्री सिर्फ रिवर को पॉल्यूट नहीं करती है, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, वो आर्सेनिक वो मरकरी मछली खा लेगी, मछली फिर आदमी खा लेगा, तो बेसिकली जो इंडस्ट्री का जो केमिकल था वो आपके बॉडी के अंदर चला आया, इंडस्ट्री में जो केमिकल यूज हुआ था जो वेस्ट हो गया जो ड्रेन आउट करके रिवर में चला गया वो मछली खा ली, फिर मछली आपने खाया तो आपके अंदर आ गया, और बंगाल में तो लोग मछली ज्यादा खाते हैं, मतलब ज्यादा चांसेस है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आपके पेट में है, इसका मतलब ये नहीं कि मछली खाना बंद कर दीजिए, ठीक है, आजकल रिवर से मछली कम आता है, फार्म लैंड या जो पॉन्ड फार्मिंग होता है ना वहां से आता है, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा अलग से, हाउ रिवर पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ। ठीक है पहला पॉइंट लिखना है बेटा, केमिकल्स डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर, केमिकल डिस्चार्ज इनटू रिवर इन्फ्लुएंसेस एक्वेटिक लाइफ, influences aquatic life. Chemicals like arsenic, mercury, chemicals like arsenic, mercury passes
टू ह्यूमन टू ह्यूमन मार्कर की बात क्या बोले आर्सेनिक बेटा आर्सेनिक मरकरी आर्सेनिक आर्सेनिक का स्पेलिंग ये होगा आर्सेनिक पासेस टू ह्यूमन थ्रू थ्रू मरीन फूड्स लाइक फिश मछली वगैरह क्या करती है मछली वगैरह के अंदर मरकरी चला गया मरकरी हम लोग खा लिए तो मरकरी हमारे अंदर आ गया तो पासेस टू ह्यूमन थ्रू मरीन फूड्स लाइक फिश दीज केमिकल्स फुल स्टॉप के बाद दीज केमिकल्स कॉजेस इरिवर्सिबल डैमेज दीज केमिकल्स मे कॉज कॉजेस नहीं होगा ऑलवेज नहीं होता These chemicals may cause irreversible damage. एक ऐसा irreversible damage जो कभी reverse नहीं हो सकता मतलब अगर आप बीमार पड़ गए तो आप ठीक नहीं हो सकते These chemicals causes irreversible damage to human health. These chemicals may cause irreversible damage to human health. To human health. For example, mercury poisoning. Of river in Japan. Sir, mercury. हाँ बेटा mercury poisoning. Okay sir. For example, mercury poisoning. Of river in Japan led to Minamata disease. Mercury poisoning के कारण Minamata disease हो गया था जापान में ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज व्हाट इज एल्गी ब्लूम देखो ब्लूम का मतलब क्या होता है पता है बेटा ब्लूम का मतलब होता है बूम करना मतलब बहुत जाना बहुत अमाउंट में एल्गी हो जाना सर आपकी आवाज कट रहा है सर यस सर आपका आवाज कट रहा है यस सर आपका आवाज कट रहा है सर आप ठीक है अभी आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है यस सर ये है बेटा एल्गी ब्लूम दिख रहा है वाटर कितना ग्रीनिश हो गया यस सर यस सर क्वेश्चन ग्रीन क्यों हो गया है सर उसमें एल्गी आ गया परफेक्ट ये जो ग्रीन हुआ ना बेटा ये दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ एल्गी
एल्गी बेटा एक माइक्रोब टाइप ऑर्गेनिज्म से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एल्गी इज बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो एल्गी ब्लूम इज नथिंग बट रैपिड इंक्रीज इन एक्यूमुलेशन या पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन वॉटर। तो एल्गी ब्लूम क्या है बेटा? रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ एल्गी इन वॉटर बॉडीज लाइक पॉन्ड लेक्स रिवर। रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ एल्गी इन वॉटर बॉडीज लाइक पॉन्ड लेक्स रिवर। ड्यू टू एल्गी ब्लूम वॉटर turns greenish. Due to algae bloom, water turns greenish. अच्छा ये तो यहां लिख रहे ना। Due to algae bloom, water turns greenish. Next, what causes algae bloom? Next, beta, what causes algae bloom? किसी को आइडिया बेटा एल्गी ब्लूम कैसे होता है? अच्छा बेटा एल्गी का पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों? आवाज आ रही है? तो यस सर ठीक है। yes, sir. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों करेगा? इंक्रीज इसलिए करेगा बेटा कि अगर रिप्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? रिप्रोड्यूस। हाँ बिल्कुल। एल्गी बेटा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्यूमुलेट कर जाएगा ना। क्वेश्चन इज बहुत फास्ट मल्टीप्लीकेशन क्यों होने लगा? तो बेटा इसलिए होता है क्योंकि इनको खाना बहुत मिलने लगता है। अब रिवर में इनको खाना कौन पहुंचा रहा है? कोई टिफिन लेकर तो पहुंचा नहीं रहा होगा एल्गी को। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग जाते होंगे जाकर एल्गी को खाना खिलाते होंगे जैसे मछली को लोग खाना खिलाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है, फार्म में, फार्म लैंड में जब हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्रॉप्स के लिए, तो फर्टिलाइजर आपने यूज कर लिया। अब आप सोचो नॉर्मली हम लोग फार्मिंग कब करते हैं? रेनी सीजन में या वाटर यूज होता है हर तरह का फार्मिंग में। तो जो आपने फर्टिलाइजर यूज किया है वो प्लांट को तो मिला ही मिला, बट साथ में जब रेन होता है ड्यूरिंग रेन वो फर्टिलाइजर वॉश अवे हो जाता है, वो फर्टिलाइजर बह जाता है। बह के जाके कहाँ मिलेगा? छोटे से नाले में, फिर जाके नदी में, फिर जाके ओशन में। कहीं कहीं यही जो होता है ये वॉश होकर पॉन्ड्स में पहुंच जाता है, लेक्स में पहुंच जाता है। यही जो आपका फर्टिलाइजर ऐड किया था फार्म के ऊपर आपने, दिस फर्टिलाइजर विल एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी। अब एल्गी बहुत खुश, हर जगह से उसको न्यूट्रिएंट मिला, फर्टिलाइजर मिला, वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगता है।
दिस इज द मेन रीजन फॉर एल्गी ब्लूम. क्या? द फर्टिलाइजर यूज्ड इन आवर फार्म लैंड गेट्स वॉश्ड अवे ड्यू टू रेन एंड एक्युमुलेट्स इन रिवर. दीज फर्टिलाइजर एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी. ड्यू टू ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एल्गी मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली. दिस लीड्स टू एल्गी ब्लूम. किसी को डाउट? नो सर. नो सर. हाँ बेटा बताइए. सर ये जो पानी हम लोग देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन एल्गी मतलब एल्गी ब्लूम हो गया है जो, तो उसे वाटर को क्या हम खा सकते हैं? एल्गी ऐसे हार्मफुल नहीं है आपके बॉडी के लिए, बट खाना नहीं यार पीना नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ. ठीक है, जो आप सर्वाइवल की वो बता रहे ना, जो सर्वाइवल इन दी वर्ल्ड वो सब की बात कर रहे हैं. हाँ सर. हाँ सर. हाँ तो बेटा उसमें केमिकल डालता है वो, थोड़ी ना पानी निकाल के पी लेता है वो बेवकूफ थोड़ी. नहीं सर, मिट्टी मिट्टी से प्यूरीफाई करता है फिर पानी पी लेता है. हाँ तो फिर प्यूरीफाई करके पी रहा है ना बेटा, ऐसा तो है नहीं. और केमिकल डालता है बेटा. देखो एक किसी ने ना एक कोई मर गया था. एक्चुअली ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं अलग अलग चैनल पे. उनमें से एक जो था ना, ही डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर. ठीक है, किसी एक का डेथ भी हुआ था. ठीक है, तो नहीं पीना चाहिए, बट उनको क्या है बेटा, टीवी पे आना है और प्रोग्राम बनाना है तो पीते हैं. बट हाँ, प्योरीफाई करना है, बॉयल करना है, ये सारा करके पीना है. आप ट्राई नहीं कीजिएगा. ठीक है, चलिए तो लिखेंगे बेटा. क्वेश्चन लिख लिए थे, आंसर लिखेंगे क्या? फर्टिलाइजर्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स. Fertilizer from crop fields gets washed away during rain. Full stop. This results in accumulation of fertilizers in water bodies. This results in accumulation of fertilizer in water bodies. This results in accumulation of fertilizer in water bodies. Full stop. So accumulation क्या बोले? Of fertilizer in water bodies बेटा, धीरे धीरे accumulate कर जाएंगे ना वो river pond में. Sir. Sir ये जो algae bloom है इसको क्या सिर्फ fertilizers मतलब कि पानी से ही मिलता है? Sir ये तो fields में भी grow कर सकता था. पर फील्ड में बेटा आपका स्टैग्नेंट वाटर थोड़ी ना है, वाटर को तो बेटा जमा होना होगा ना. अच्छा ओके. वो ड्राई हो जाएगा तो थोड़ी ना होगा बिना पानी. सर रिवर तो चलता है सर. सर रिवर में कैसे होता है? क्या बेटा? सर रिवर तो कंटीन्यूअसली फ्लो करता है. रिवर का? सर रिवर का कोई तो करंट होगा ना सर, वो वहां पे कैसे रहेगा? अच्छा आप बोले रिवर फ्लोइंग रहेगा तो नहीं होता है ना. हाँ सर. तो बेटा ऐसा नहीं है, फ्लोइंग रिवर में बेटा पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है, स्टैग्नेट में ज्यादा होता है. बट आप जो बोल रहे ये भी बेटा ये नहीं है कि अगर रिवर फ्लो करेगा तो एल्गी ब्लूम नहीं करेगा. एल्गी को बेटा ऐसा थोड़ी ना स्टैग्नेट वाटर चाहिए, ऐसा नहीं है. ठीक है, होता क्या है उस. बोलिए बेटा. सर अभी आपने बोला था ना स्टैग्नेंट वाटर में फ्लो के, इसलिए. नहीं नहीं मैं बोला फील्ड में बेटा पानी होता कहाँ है,
वो थोड़े दिन के लिए, जब आधे घंटे के लिए पानी जमा होता है फिर वो पानी गायब हो जाता है ना बेटा। क्रॉप के फील्ड में पानी बेटा बहुत दिन तक कहाँ स्टे करता है। अभी आपने बारिश हुआ, 2 घंटे 4 घंटे के बाद सारा पानी भर जाता है। स्क्रीन पे कुछ ब्लैक आ गया। हाँ ठीक कर, ठीक कर। ठीक है चलिए। पर होता क्या है कि आपका फ्लोइंग जो रिवर होता है उसमें पॉल्यूशन कम होता है, एंड दैट इज बिकॉज कि उसमें ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा अवेलेबल होता है, एरिएशन होता रहता है। ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है बेटा, एल्गी तो बेटा ओशन में होता है, आप रिवर की बात कर रहे हैं, ओशन के ओशन बेटा वो हो जाते हैं, एल्गी ब्लूम से वो हो जाते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं। एल्गी ब्लूम ओशन में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज नॉट ओनली प्रॉब्लम फॉर रिवर एंड पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। चलिए तो क्या करते हैं, दीज सर्व्स एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी, दीज सर्व्स एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी, दीज सर्व्स एज न्यूट्रिएंट्स, ये खाना है एल्गी के लिए। क्या जो फील्ड में आपने फर्टिलाइजर ऐड किया था वो प्लांट के लिए खाना था ही था, ये उनके लिए भी खाना है, एल्गी के लिए भी। सो दीज सर्व्स या दीज एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी एंड हेल्प्स देम टू फ्लरिश एंड हेल्प्स देम टू फ्लरिश। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एल्गी ब्लूम इज डेंजरस, व्हाई एल्गी ब्लूम इज हार्मफुल है या डेंजरस है, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, व्हाई एल्गी ब्लूम इज हार्मफुल, एल्गी ब्लूम कहीं भी सही चीज नहीं है बेटा, एल्गी ब्लूम नहीं होना चाहिए। अब एल्गी ब्लूम से प्रॉब्लम क्या है आपको, अब अपना वो एल्गी फ्लरिश कर गया, बहुत ज्यादा उनका पॉपुलेशन हो गया, ये रिवर देख रहे ग्रीन हो गया, तो इससे प्रॉब्लम क्या है। अब आप बोलेंगे दिखने में गंदा लगता है, अरे दिखने में गंदा लगता है तो बेटा इसका मतलब थोड़ी ना प्रॉब्लमेटिक है। एक तो रीजन ठीक है, वो दिखने में डर्टी वाटर हम लोग बोलते हैं, बट उससे हम लोग को मतलब नहीं है, इससे बेटा बाकी चीजों के लाइफ के ऊपर बेटा इम्पैक्ट आता है। अब हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट तो आया ही आया, ये पानी आप पी नहीं सकते है, इसमें बोटिंग नहीं कर सकते है, इसमें नहा नहीं सकते, ये सब तो प्रॉब्लम है। बट जो मछलियां होती है उनको बोटिंग क्यों नहीं कर सकते, ड्रिंक क्यों नहीं कर सकते, अच्छा बोटिंग क्यों नहीं कर, बोटिंग क्यों नहीं कर, हाँ बेटा बोटिंग आप कर बेटा, करने को कर ही सकते हैं, पर गंदा पानी है ना, मतलब आप बोटिंग क्यों करते हो, रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आप इसमें बोटिंग करोगे कि मतलब क्लीन वाटर में बोटिंग करना पसंद करोगे, कर सकते हैं अगर बहुत इच्छा है बोटिंग करने की, तो हाँ क्लीन, फिर वही बता, ठीक है बोटिंग तो घूमने के लिए कर ना, ठीक है जो भी। तो प्रॉब्लम मछलियों को है बेटा इनसे, अब मछलियों को किस बात की प्रॉब्लम, और नदी के अंदर भी बेटा या रिवर के अंदर तो नहीं, चलो पॉन्ड्स के अंदर भी बेटा कुछ कुछ प्लांट लाइफ होता है, जो प्लांट नीचे ग्रो करते हैं। ठीक है, अब वहां प्रॉब्लम इनको ये होता है कि ये इतना ग्रीनिश हो जाता है कि सनलाइट उनके तक पहुंचता नहीं है, दे आर मरीन ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर सनलाइट, ये इतना ग्रीनिश कर देता है पानी को कि नीचे सनलाइट पहुंचता नहीं है, जिससे बेटा उन लोग को काफी परेशानी होती है। दे आर मरीन ऑर्गेनिजम्स, जो पॉन्ड्स के बॉटम में रहते हैं उनको सनलाइट चाहिए, तो ये एल्गी ब्लूम सनलाइट ब्लॉक करता है। दूसरा, जब एल्गी मर जाते हैं तो मरने के बाद बेटा अब इनका तो वो नहीं होता है एल्गी का कि फ्यूनरल होगा या क्रीमेशन होगा, इनका तो वो नहीं होना है, ये मर गए एल्गी तो पानी में ये बॉर्न हुए थे, पानी में मर गए, तो इनके बॉडीज के साथ क्या होता है। एल्गी एक माइक्रोब है,
तो इसका भी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम लोग को पता है कि कोई बॉडी अगर डेड हो जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं बॉडीज को। ये तो समझ में आता सबको। When any living thing dies, it will be decomposed by bacteria. तो जब एल्गी मर गए तो उनके ऊपर ही बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन चालू कर दिए, और बैक्टीरिया जब इनका डिकम्पोजिशन करते हैं तो ऑक्सीजन यूज करते हैं। अब ऑक्सीजन तो मछली को भी चाहिए, ऑक्सीजन बैक्टीरिया भी यूज कर रहा है। तो इतना ज्यादा एल्गी होने से बहुत सारे बैक्टीरिया भी इसके ऊपर फीड करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जब इसके ऊपर फीड करते हैं तो बहुत सारा ऑक्सीजन यूज हो जाता है। फिर मछली दुखी हो जाती है कि सारा ऑक्सीजन बैक्टीरिया खा गया, तब मछली भी क्या करती है, वो फिर वहां से चली जाती है। जो मछली वहां से नहीं जाती वो मर जाती है। तो ये एक इम्पैक्ट है इनका। इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। सबको क्लियर है? चलिए तो लिखेंगे बेटा, ड्यू टू एल्गी ब्लूम ब्लॉक सनलाइट। From reaching the bottom surface, या from reaching the bottom surface of water bodies. Algae bloom के बाद क्या बोले? Blocks sunlight. Sunlight को बेटा block करता है algae. Okay sir. Algae bloom blocks sunlight from reaching bottom of water bodies. This negatively impacts. This negatively impacts marine life. Yeah, aquatic life. This negatively impacts aquatic life. Aquatic plants भी लिख सकते थे, वो भी सही होता। एक्वेटिक लाइफ लिखे मतलब इसमें प्लांट भी आ गया, एनिमल भी आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एल्गी डाइज they are decomposed by bacteria. When algae dies, they are decomposed by bacteria. Comma. In this process, oxygen is consumed. Full stop. Depletion of oxygen. Full stop के बाद लिखिए depletion of oxygen. Full stop के बाद लिखना है depletion. Depletion of oxygen.
किल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन किल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. हेलो सर. हो गया डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन किल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखना है हम लोग को कैन ग्राउंड वाटर get polluted. By sewage. Sewage का मतलब बेटा जो ड्रेन नहीं होता है उसी को सीवेज बोलते हैं. जो घरों से इंडस्ट्री से निकलता है कचरा वो सारा सीवेज कहलाएगा. सर हाँ बेटा. सर इसमें हम लोग जो बोले कि वो डिकम्पोज जब करता है बैक्टीरिया तो वो जो ऑक्सीजन उसका कंज्यूम करता है वाटर का, तो सर इसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं जब ऑक्सीजन चला जाता है वाटर से. हाँ बेटा वो भी वाटर पोल्यूशन कहलाएगा. और सर जब आरओ में मिनरल्स हम लोग चला जाता है तो उसमें हम लोग वाटर पोल्यूशन उसको कहते हैं. आरओ से सारा मिनरल निकल जाएगा तो. यस सर. बेटा वो वाटर पोल्यूशन इसलिए नहीं कहा जाएगा ना बेटा, इस तरीके समझिए. वो तो आप निकाल रहे हो ना बेटा, और वो तो मतलब हार्मफुल, बेनिफिशियल नहीं है बट हार्मफुल भी नहीं है ना. मतलब आपने मिनरल निकाल लिया है वो तो आप इंटेंशनली कर रहे हो ना, दैट इज नॉट वाटर पॉल्यूशन. और वाटर पॉल्यूशन बेटा वाटर बॉडीज में होता है. आप एक वो कर लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी भर लीजिए, उस ग्लास में बेटा बहुत सारा कचरा डाल दीजिए तो दैट शुड नॉट बी कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. ग्लास में बहुत सारा कचरा डाल देना दैट इज नॉट वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन बेटा वाटर बॉडीज के लिए होता है, रिवर, लेक, पॉन्ड, जहाँ ज्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर्ड है. आपका टैंक में कचरा जमा हो गया तो हम लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे कि वाटर पोल्यूशन हो गया है. छत के ऊपर टैंक होता है वहां कचरा जमा हुआ है, दैट इज नॉट वाटर पोल्यूशन. ठीक है बेटा. यस सर. ठीक है चलिए नेक्स्ट. तो ये जो ड्रेन होता है बेटा जो घरों से निकलता है, क्या ये ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेट कर सकता है? तो यस, ग्राउंड वाटर कैन गेट कॉन्टेमिनेटेड बाई सीवेज. कैसे? ड्रेन में बेटा या सीवेज में जो केमिकल्स वगैरह या हार्मफुल चीजें होती है वो परकुलेट कर जाती है ग्राउंड से ग्राउंड वाटर के अंदर, बिकॉज आवर ग्राउंड इज पोरस, अर्थ क्रस्ट इज पोरस. वो धीरे धीरे नीचे जाते रहता है. ऐसा बहुत बार हुआ है बेटा कि कुएं का पानी खराब हो गया, ट्यूबवेल का पानी बेटा पॉल्यूट हो गया. रीजन इज विद टाइम द केमिकल्स फ्रॉम सीवेज दे सीप्स इनटू ग्राउंड वाटर. धीरे, एक दिन में दो दिन में नहीं होगा बेटा, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, 30 साल में होगा, बट ऐसा होता है. क्लियर है बेटा ये? यस सर. तो लिखेंगे, लिखना है बेटा, क्या लिखना है? यस, सीवेज कैन कॉन्टेमिनेट ग्राउंड वाटर.
केमिकल्स फ्रॉम सीवेज परकोलेट्स थ्रू अर्थ सरफेस इंटू ग्राउंड वाटर ओवर ईयर्स. इंटू आर सरफेस इंटू ग्राउंड वाटर ओवर ईयर. फॉर एग्जाम्पल स्टर्लिंग प्लांट. स्टर्लिंग एक प्लांट है बेटा साउथ में, ठीक है. ये इंडस्ट्री में क्या हुआ कि ये विथ टाइम धीरे 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 केमिकल यूज करते करते विथ टाइम आपका ग्राउंड वाटर वहां का पूरा पॉल्यूट हो गया. बढ़िया है बेटा. ठीक है. हाँ बेटा, ये पढ़े थे बेटा, ये कभी सुने थे इसके बारे में? नाम सुने है इसका? नो सर. न्यूज़ में बड़ा आया था? नो सर. अच्छा स्टर्लिंग नहीं था बेटा, स्टरलाइट था ये. इसको जरा कट कर लीजिए, स्टरलाइट था ये, ठीक है. स्टर्लिंग गलत लिखा दिए, यहाँ स्टरलाइट है. क्या लिखना है समझिए, एस टी ई आर एल आई टी. स्टरलाइट था फैक्ट्री का नाम, स्टरलाइट प्लांट. ठीक है. यहाँ काफी लोग बेटा बीमार वगैरह पड़ रहे थे. ब्रोंकाइटिस. क्या लिखेंगे? क्या बेटा सर, उसे स्टीलिंग को काट के क्या लिखेंगे? स्टरलाइट बेटा, एस टी आर एल आई टी, ये लिखना है स्टरलाइट. ठीक है. तो इसमें हुआ क्या था, तुटुकुटी विलेज है बेटा, यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह हो गया था ना. लोग वाटर पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, बीमार पड़ रहे थे. तो फिर लोगों को समझ में आया कि ये इस फैक्ट्री के कारण हो रहा है. तो फैक्ट्री के सामने जाके प्रोटेस्ट किए, फैक्ट्री को बंद करवा दिए, फैक्ट्री में आग लगा दिए, बहुत काम किए. ठीक है. यहाँ होता क्या था, कॉपर माइनिंग होती थी, बस यही था. समझ में आया बेटा? यस सर. ठीक सर. एक मिनट. हाँ मिल गया. एक मिनट. देखिए दिख रहा कुछ? यस सर. यस सर. साउंड इज नॉट कमिंग. सर साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा. नो सर. ठीक है, एक मिनट दोबारा से ट्राई करते, इस बार आ जाएगा शेयर कंप्यूटर साउंड. हाँ अब आएगा. ऑफ वेदांता स्टरलाइट कॉपर यूनिट. ऑन मई 23rd द मद्रास हाई कोर्ट स्टेड द एक्सपेंशन ऑफ द कॉपर स्मेल्टर.
and also ask the company to get a public consultation within 4 months of further plans of expansion. Many allege that the police firing was pre-planned. Chief Minister K. Palaniswamy announced the compensation of rupees 10 lakh to the family members of those who died and also ordered a judicial inquiry into the incident. The company has responded saying it has not violated any norms and has the necessary permits for the factory. What are Sterlite Copper and Vedanta? Sterlite Copper is a unit of Vedanta Resources based in London and is owned by Anil Agarwal. It is one of the world's largest mining and metals conglomerates. The production capacity of the Thoothukudi plant is 4 lakh tons of copper per year. Residents and activists complain that the plant has contaminated groundwater in the region and caused health problems like respiratory disorders, skin diseases, and cancer. Residents have been protesting against this plant ever since it was first set up in 1996. But the recent agitation to stop the expansion of the plant has been ongoing since January. It escalated in the following month after the company applied to get an environmental clearance to expand its unit and double production capacity. If approved, this would make it the second biggest copper smelter in the world. But the plant has been shut for the past 50 days. Let's look at the health complications this has caused. While it doesn't directly associate it to the presence of the copper plant, a 2008 study found that around 14% of the population suffers from respiratory diseases. It also found a high incidence of menstrual complications in women living in the area. After a gas leak at the plant in March 2013, residents complained of eye irritation, suffocation, and miscarriage. These are the environmental concerns. Smelting produces toxic byproducts like lead, arsenic, and sulfur oxides that adversely impact water, soil, and air quality. The environmental impact can extend to tens of kilometers around the source. The National Environmental Engineering Research Institute and Tamil Nadu Pollution Control Board found evidence that Sterlite contaminated the groundwater, air and soil and also violated standards of operation. The location of the plant is also contentious because the Sterlite plant is located close to the Gulf of Mannar, which is an eco-sensitive area. The new plan to expand the smelters is located in a densely populated area, which poses a great health risk to residents. The proposed complex is located on land designated as dry agricultural land. The company has also come under fire for not holding public consultations before setting up its complexes in Thoothukudi. Let's look at why, despite violations, Sterlite continues to operate. After the 2013 gas leak, the company was shut down for 2 months but reopened after getting clearance from the NGT. In April that year, the Supreme Court struck down the Madras High Court's earlier order to close the plant. The court justified its verdict by referring to the revenue and the job that the company had created, but on the other hand, it also fined the company rupees 100 crores for causing environmental damage. Activist Nityanand Jayaraman has documented the role of TNPCB, NGT, Local Administration and Ministry of Environment in facilitating the Sterlite Group's operations. Vedanta is also being sued in England by Zambian villagers for polluting their water and destroying their livelihood through its mining operations. Now let's look at Vedanta's political donations in India. In 2014, a Delhi court found that the BJP and Congress had violated the Foreign Contributions Regulations Act by receiving donations from foreign companies. Vedanta had paid the parties a total of Rs. 9 crores between 2004 and 2010, with Sterlite Industries in Thoothukudi being the most generous donor. In 2018, the government introduced a clause in the finance bill. चलिए बेटा समझ में आया? Yes. ठीक है तो उस कंपनी का आज बेटा. हाँ बेटा. Good evening sir. Good evening बेटा. Good evening sir. Good evening बेटा. अभी दो मिनट रुक जाइए बेटा. ये eighth वाले बच्चे हैं उनको अभी bye bye कर देते हैं. ठीक है. तो बेटा ये अभी तक हम लोग वाटर पोल्यूशन में देख रहे थे स्टरलाइट कंपनी जैसे है ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर दिए तो मींस नॉट ओनली रिवर लेक्स एंड ओशन दे आर पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड इट्स सीवेज बट आल्सो ग्राउंड वाटर गेट्स पॉल्यूटेड एंड व्हेन ग्राउंड वाटर गेट्स पॉल्यूटेड तो होता क्या है ना बट आजकल हम लोग रिवर का पानी नहीं पीते आजकल हम लोग ग्राउंड वाटर का पानी पीते लोग घर में बोरिंग करवा लेते हैं और बहुत सारे बेटा सबके पास म्यूनसिपल का कनेक्शन नहीं होता है म्यूनसिपलिटी का पानी सबके पास नहीं आता है दे आर एरियाज जो लोग कुएं का पानी पीते हैं फॉर एग्जांपल आप अपने गांव चले जाइएगा तो वहां मोस्ट ऑफली वहां लोग कुएं का पानी पी रहे हैं तो वंस ग्राउंड वाटर गेट्स पॉल्यूटेड तो फिर लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है
ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए बेटा, तो क्लास एट वाले बच्चे जा सकते हैं बेटा, नाइन्थ वाले रुकेंगे। थैंक यू सर, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।